नमस्कार। देखिए एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर हमें 4 सॉल्व करना है। तो 4 क्वेश्चंस के लिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एंटी डेरिवेटिव निकालना है और मेथड कौन सी यूज करना है, इंस्पेक्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशंस बहुत ही सिंपल सा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड किया है उसी तरह से फोर्थ को कर लेंगे। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर के बारे में हमें सबसे पहले सोचना है कि यह आखिर किसके डेरिवेटिव में आएगा। तो कोई सा एक फंक्शन है और उसमें स्क्वायर लगा हुआ है, कोई सा फंक्शन और इसमें स्क्वायर लगता है, तो किसके डेरिवेटिव में आएगा, वो क्यूब के आएगा। मतलब कहने का, यदि हम d ओवर dx ऑफ x क्यूब करेंगे तो इधर आएगा 3x स्क्वायर आएगा, या तो x क्यूब। तो x क्यूब x x x x मतलब ax plus b, इधर x x मतलब ax plus b, तो ax plus b होल स्क्वायर किसमें आ रहा है, क्यूब किसमें आ रहा है। तो फिर यहां पर हमें मिल चुका है एक ऐसा फंक्शन जिसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो स्क्वायर ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर के जैसा आता है। तो आइए फिर करते हैं इसको। देखिए सॉल्यूशंस की शुरुआत हमें पता है, सबसे पहले शुरू करेंगे सिंस वी नो दैट डी ओवर डी एक्स ऑफ फंक्शन मिला हमें, जिसका डेरिवेटिव करने पे ये आ रहा है, वो कौन सा है, ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो आप, ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। चैन रूल से लग रहा है, इसको x लगा के कर रहे हैं, x क्यूब का 3x स्क्वायर हुआ। x कोई छोटा सा फंक्शन नहीं, बड़ा सा है, तो इसका फिर डेरिवेटिव करेंगे तो ए एक्स का डेरिवेटिव a आएगा और प्लस बी, बी का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो उसको ना लिख करके केवल ऐसा लिखेंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, प्रॉपर 3a और इधर ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसमें से क्या करें कि ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर को यहीं पर रहने दें और इसको इधर शिफ्ट कर दें, तो इधर आएगा 1/3a और ये भी साथ में रहेगा d ओवर dx ऑफ ए एक्स प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, में केवल ये बचेगा ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये सॉल्यूशंस आने के जैसा बन रहा है, 1/3 को अंदर कर दें इसको, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ 1/3 अंदर जाएगा, 1/3 इधर रहेगा ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर और इज इक्वल टू में ये जो लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, सॉरी इधर जो है स्क्वायर में क्यूब है, क्यूब है ना? इधर क्यूब। अब यहां पर जो लिखा है 1/3 ax plus b होल क्यूब, यह इसका एंटी डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो यह आता है, तो इसका इंटीग्रल वैल्यू इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आ जाएगा, तो फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अपना आंसर है, 1/3a ए एक्स प्लस बी क्यूब लगा है, क्यूब आएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 4 4 4 कंप्लीट हो चुका। जय हिंद।